हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आईजी पेट्रोकेमिकल्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 के क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी थैलिक एनहाइड्राइट, मैलिक एनहाइड्राइट एंड बेंजोइक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि डाइस, पॉलिस्टर रेजिन्स एंड ये सब कुछ बनाने में काम आती है। ये कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 1589 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 5.61 की PE है, 33.2% है कंपनी की ROCE एंड 28.1% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 21.6%, एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सिमेटली 13% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है, डिविडेंड यील्ड 1.92% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 के क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी की स्टैंडअलोन रिजल्ट ही चेक करेंगे। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 575 करोड़ की इनकम जनरेट किया है, और अगर ये जून 2020 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 664 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 474 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 55 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है, जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 81 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 66 करोड़ की प्रॉफिट। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। एंड यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। एंड इसका मतलब साफ है कि कंपनी की जितना इनकम ग्रो करी है उससे कई कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है, मतलब कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हुई है, प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ भी कंपनी की नेगेटिव में है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो जो कंपनी की EPS की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे इम्प्रूवमेंट दिखाई है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम ग्रोथ। बाकी हर एक जगह पे मतलब एक जगह को छोड़ के बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, एक जगह को छोड़ के कंपनी ने बाकी सब जगह पे नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है, कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा वीक परफॉर्म की है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें
तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास, तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 30 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 15 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा वीक निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स ने सेलिंग करी है, बाकी FIIs एंड DIIs दोनों ने ही बाइंग करी है। और अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया है। एंड अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो पब्लिक में दो बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये दोनों कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अप्रोक्सीमेटली 22.18% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूशन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। कंपनी ने बहुत ही बेकार परफॉर्म की है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। एंड ये कंपनी फंडामेंटली भी स्लाइटली ऑन दी वीकर साइड पे ही निकल के आ रही है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना। एंड अगर भरोसा है तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना, चाहे कितने भी भरोसा क्यों ना हो कंपनी के ऊपर, शॉर्ट टर्म के लिए एज ऑफ नाउ ट्रेड प्लान मत करो, क्योंकि कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। एंड अगर ऐसे ही चलती रही तो हो सकता है ये कंपनी दिसंबर क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में, मार्च 2023, जून 2023, मतलब एक साल के अंदर अंदर हो सकता है ये कंपनी लॉस देने लग जाए। तो सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, अदरवाइज एज ऑफ नाउ मैं शॉर्ट टर्म के लिए सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो अभी ये कंपनी अपनी लास्ट 52-week लो के आसपास ट्रेड कर रही है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो कंपनी की जो लास्ट 52-week लो है वो है इस पॉइंट पे, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं किया। तो कंपनी अगर बाय चांस इसके नीचे जो लेवल है, जैसे कंपनी सपोर्ट ले लेती है हर बार, जैसे कि यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, कंपनी ने 52-week लो जो है वो तो यहाँ पे लगाया था लेकिन इसके आसपास क्लोजिंग नहीं किया कंपनी ने, तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन निकल के आ रही है जहाँ से कंपनी सपोर्ट ले रही है। तो सिंपली अगर यहाँ से नीचे गिर जाती है या तो फिर यहाँ से स्लिप कर जाती है कंपनी, तो आप लोग 400 रुपए के आसपास की फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी, जो कि इस कंपनी की नेक्स्ट सपोर्ट जोन के साथ साथ एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। एंड ये कंपनी पिछले 6-7 महीने से डाउन ट्रेंड में है, तो आप लोग 400 रुपए तक की फॉल इजिली एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड उसके ऊपर से सितंबर क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो भी कुछ खास निकल के नहीं आई है, वो भी वीक ही निकल के आई है। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि ये कंपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए नहीं है, तो सिंपली आप लोग स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। बाकी अगर स्विंग ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगा कि ये कंपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के साथ साथ स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी नहीं है, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही शार्पली फॉल शो कर रही है जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड ऐसे में अगर आप लोग कोई भी स्विंग ट्रेड प्लान करते हो तो मैक्सिमम चांस तो यही होगा कि आप लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो जानबूझ के लूजिंग ट्रेड में एंट्री लेने का कोई फायदा नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम हो जाएगा, मतलब टोटली गैम्बलिंग, यहाँ पे रिस्क ज्यादा रिवॉर्ड
कट कहाँ पे है, यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो एंड एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी आगे चल के आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके जा सकती है आफ्टर 5 to 10 ईयर्स, तो जितना सस्ते में आप लोगों को इस कंपनी में एंट्री मिल जाए एज ऑफ नाउ उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली 400 रुपये के आसपास मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। एंड अगर ये कंपनी बाई चांस वहाँ तक की फॉल शो नहीं करती तो आप लोग 500 रुपये के आसपास भी एंट्री ले सकते हो, मतलब करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी आप लोग एंट्री प्लानिंग कर सकते हो इन दिस कंपनी। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।